राधे राधे, स्वागत है आपका देवांशी खाना खजाना चैनल पर। आज हम सूजी का हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, तो हम चलते हैं बताते हैं कैसे बनाना है। आप तेल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, तो मैं घी में बना रही हूँ। 1 चम्मच के लगभग मैंने घी डाला है और जीरा डाला है, जीरा चटकने लग गया है। उसके बाद हमने अदरक को बारीक कटा हुआ और लहसुन को बारीक कटा हुआ दोनों को एक साथ डाल दे रहे हैं। अब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा जब ये ब्राउन होने लग जाएगा तभी हमको मिर्ची डालना है। मिर्ची को लगभग हमें 15 सेकंड तक चलाना है, अच्छे से मतलब मिला लेना है कढ़ाई में। उसके बाद गैस का फ्लेम हमें एकदम लो कर लेना है, तभी हमें गरम मसाला डालना है। और गरम मसाले को डालने के बाद इस तरीके से मिला लेना है अच्छे से, तभी क्योंकि जब हाई फ्लेम रहेगा तो जल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, 2 गिलास के करीब हमने पानी डाला है। आप सूजी के हिसाब से पानी डालिएगा, आप अगर 2 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 4.5 गिलास पानी डालिएगा। मैं 1 कटोरी के लगभग ले रही हूँ इसलिए मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है सूजी, एकदम मीडियम साइज़ का सूजी है। तो आप मीडियम साइज़ का सूजी लीजिए। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की सूजी है यानी दरदरा है ज़्यादा, तो आप मिक्सर जार में ब्लेंड कर सकते हैं। तो हमारी ये सूजी देख रहे हैं किस तरीके से हमें एकदम हलवा के तरीके से पकाना है अच्छे से। अब स्पून की सहायता से हमें सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला मिला के चलाना है कढ़ाई में, ताकि ये एकदम आटे के डोभ की तरह एकदम सूखा हुआ हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि एकदम सूख चुका है हमारा सूजी और एकदम आटे की डोभ की तरह रेडी हो चुका है। जब इसको हम एक थाली में निकालेंगे ना तो ये एकदम ठंडा हो जाएगा ना, तब और ज़्यादा सूखा लगेगा। तो अब हम थाली में निकाल दिए हैं इसको ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तभी ये एकदम आटे की डोभ की तरह थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब इसको ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। उसके बाद देखिए ठंडा हो चुका है, क्योंकि मेरे हाथ जल नहीं रहे, मतलब इस ठंडा हो चुका है। जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटे का डोभ बनाते हैं उसी तरीके से हमने बना के रेडी कर लिया है। और एक लोई की तरह हमें छोटे छोटे लेने हैं एकदम बॉल्स बनाने के लिए। देखिए आपको इस तरीके से बॉल्स बनाना है। हाथ में थोड़ा घी लगा के बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए एकदम बॉल्स बन के मेरे रेडी हो चुके हैं एकदम। तो अब इसको हमें क्या करना, आप इसको स्टीम भी कर सकते हो इस तरीके से बना के, उसके बाद भी फ्राई कर सकते हो, पर मैंने स्टीम नहीं किया है। मुझे जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे जल्दी था इसलिए मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैं घी को डाल के गरम करके जीरा का तड़का दे रही हूँ। जीरा चटकने के बाद मैंने बारीक लहसुन अदरक डाल के पका रही हूँ। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च के बाद मैंने कटा हुआ कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अच्छे से इसको हम पका लेंगे, थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग प्रोसेस में जो बताई थी वही सेम करना है। उसके बाद आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला डालना, आधा चम्मच में लगभग हल्दी डालना है और 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च डालना, वो भी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर आता है तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हमें सब चीज़ों को मिला लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद ही हमें चिली फ्लेक्स डालना। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप चिली फ्लेक्स स्किप कर लीजिएगा। हमारे घर में सभी लोग स्पाइसी खाते हैं इसलिए हम स्पाइसी बना रहे हैं। तो हमारा बॉल्स देखिए एकदम बढ़िया खिले खिले से दिख रहे हैं और इसको हम अच्छे से एकदम डीप फ्राई करेंगे। हमें तब तक इसे फ्राई करना है जब तक हमारे सभी बॉल्स में मसाले चिपक न जाएं अच्छे से। अब आप देखिए बॉल्स में सभी मसाले चिपक चुके हैं, तो ये बनके हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे, एक प्लेट में निकालिए, एक कटोरी में निकालिए। आप देखिए एकदम खिले खिले से दिख रहे हैं ना। तो आपको जैसे ये दिख रहा है एकदम टेस्टी, वैसे ही आपको खाने में इसका टेस्ट आएगा। तो आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। अच्छी लगी तो भी बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बताना। अब देखिए हम एक स्पून की सहायता से इसको काट कर दिखा रहे हैं, एकदम जालीदार है और कितने सॉफ्ट हैं देखिए, एकदम बढ़िया। तो आपको खाने में भी सॉफ्ट लगेगा और टेस्ट में भी कोई कमी नहीं रहेगा। देख रहे हैं एकदम बढ़िया जालीदार दिख रहे हैं ना। तो आप इस तरीके से बनाइए और बताइए कैसे लगा।